नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी टेलर चैनल में। दोस्तों, अगर एक्सीलेटर का तार टूट जाता है या फिर आप उसको नया बनाते हैं तो उसमें आप तार कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये मोटर का तार जो है, ये देखिए यहाँ से जो है ये आया हुआ है। ये दो तार जो हैं इस मोटर से निकले हुए हैं और ये तार जो है ये बोर्ड में लगाने के लिए है। इन दोनों तारों को जो है ये साइड में देखिए, ये पत्ती लगी हुई है, इसके अंदर से डाल देंगे। अगर आपके स्केलेटर में ये पत्ती नहीं लगी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही तार को रख सकते हैं। अब दोस्तों, एक तार को जो है इसमें ज्वाइंट कर देंगे, चाहे पीले पीले में ज्वाइंट कर दें, चाहे आप लाल लाल में ज्वाइंट कर दें। लाल तार को ज्वाइंट कर देता हूँ। और दोस्तों, लकड़ी वाला जो एक्सीलेटर है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, और ये लकड़ी वाला एक्सीलेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली होता है रिपेयर करना। इसको आप नया भी बना सकते हैं, केवल लकड़ी के दो टुकड़े चाहिए आपको। उसके बाद आपको ये एक जो है इस तरीके का सॉकेट चाहिए होगा। और एक स्प्रिंग चाहिए होगा और आप लकड़ी वाले एक्सीलेटर को बना सकते हैं। और दोस्तों, एक एक्सीलेटर होता है प्लास्टिक का जिसमें लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, और एक एक्सीलेटर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान होता है। और उन दोनों एक्सीलेटर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं उसका वीडियो भी मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, ये तार एक जॉइंट कर लिया है, अब इस पर टेपिंग कर देंगे। तो इसमें अब टेपिंग हो गई है, अब इसको काट देते हैं। और अब ये दो तार हैं, ये देखिए, एक तार को आपको इसमें जोड़ना है और एक तार को इसमें जोड़ना है, जो मोटर से आया हुआ तार, ये देखिए, ये मोटर से आया हुआ तार है, इसको इस साइड में जोड़ना है और इस वाले को इस साइड में जोड़ेंगे। तो इस पेच को जो है निकाल लेंगे खोलकर। ये देखिए, तार जो है चलते चलते टूट जाता है। मैं इस तार को पहले थोड़ा सा और छील लेता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा है। अब इस तार को जो है पेच में इस तरीके से फंसा देंगे और पेच को घुमा देंगे, इस तरीके से ऐड देंगे तार को। अब पेच को वापस इसमें लगा देंगे। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देंगे। इस पेच को बिल्कुल नीचे तक ना कसें, इसको हल्का सा उठा हुआ रखें, जिससे जो है आपको एक्सीलेटर फुल नहीं दबाना होगा, बस हल्के से ही दबाएंगे आप और मोटर आपका चलने लगेगा। अब दूसरे वाले पेच को भी खोल लेते हैं। इस पेच को भी हल्का सा उठा हुआ रखें। दोस्तों, अब इस स्प्रिंग को जो है इन कीलों में फंसा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से पहले इसको इस साइड में फंसाएंगे और फिर खींचकर जो है इस साइड में भी फंसा देंगे। दोस्तों, अब इस स्प्रिंग को जो है इन कीलों में फंसाएंगे, पहले इस साइड का फंसा देते हैं और फिर अब इसको खींचकर इस साइड में फंसा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब स्प्रिंग जो है वो सेट हो चुका है। अब दोस्तों, इन तारों को जो है बोर्ड में लगा देंगे, उसके बाद मैं आपको मोटर चलाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने तार को जो है प्लग में लगा दिया, मैं मोटर को आपको चलाकर दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, मोटर जो है अब चल रहा है बिल्कुल। और दोस्तों, आपको ये पेच के जो है सेंटर देखना होगा, अगर पेचों का सेंटर आउट होगा, आपस में नहीं टकराएंगे इस तरीके से, तो आपका मोटर नहीं चलेगा। तो आप देख लें, पेज भी जो है आपके बराबर सेंटर में होना चाहिए। इस तरीके से जब पेज जो है आपस में जॉइंट होते हैं तभी मोटर चलता है, ये देखिए। और जैसे पेज हटेंगे मोटर बंद हो जाएगा, जैसे फिर जॉइंट होंगे मोटर आपका चलने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।